इन्विटेशन में मेरे थोड़े बैग खुलवाया उसने बंदे ने, लेकिन मेरे को उसने चार बार सॉरी बोला। वही बिल्कुल नहीं है। देख लो नोट भाई, फिर तो पैसे तो हमने निकाल लिए हैं, लेकिन यहाँ पे आते ही पहली चीज होती है ये वाईफाई और इंटरनेट। वो हाँ जी, सत श्री अकाल जी, वेलकम टू दी पंजाबी वॉन्डर्स यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 12 दिसंबर और हम जा रहे हैं जापान, हम मतलब मैं और नवाकुर। हेलो हेलो, हाउ आर यू? तो यार हमारी फ्लाइट है कुछ देर में ही, तो फ्लाइट हमने करी थी, रिटर्न टिकट बुक करी थी, अपने को पड़ी थी 55,000 की, इसको पड़ी 52,000 की, इसने किसी पे कुछ कार्ड वर्ड का लगा लिया डिस्काउंट, तो मेरे पास वो कार्ड था नहीं। तो एनीवे फ्लाइट हो गई हमारी 55,000 की, एयर इंडिया की डायरेक्ट फ्लाइट है, यहाँ 7 घंटे जाने की, वापसी की 10 घंटे की है। अब आती है बात वीज़ा की, उसके अलावा वीज़ा की भाई इसके इसने मेरी कर दी थी अपॉइंटमेंट बुक, तो इससे सिर्फ वेरी सिंपल प्रोसेस जैसे होता है ना शेंगेन वीज़ा वाला, कि वी फेस पर जाओ अपॉइंटमेंट बुक करो अपनी, और डॉक्यूमेंट्स बहुत कम है, डॉक्यूमेंट्स में आप डमी फ्लाइट दे दो, होटल बुकिंग दे दो, और क्या था यार नवाकुर, बैंक स्टेटमेंट, ITR मेरे से नहीं मांगी थी, बैंक स्टेटमेंट चलो दे दो, बैंक स्टेटमेंट ITR दे दो, बैंक स्टेटमेंट दे दो, बहुत ही कम है, चार डॉक्यूमेंट दिख लेना वेबसाइट पर जाके आप, लिस्ट है। तो उसके बाद 2 दिन के अंदर वीज़ा जाता है, बहुत सस्ता वीज़ा है, सिर्फ 500 रुपये का, मात्र 500 रुपये में, और अगर आप लोगे कुरियर लोगे VFS से तो आपको पड़ेगा 1700 रुपये का, अगर नहीं लोगे तो कितने का पड़ेगा, 500 रुपये कम में, 1100-1200 में कोई काम हो जाएगा, मतलब 500 MSC की फीस है और बाकी 600 रुपये VFS की फी है। वीज़ा आ गया, फ्लाइट हो गई, तो उसके बाद अभी जब अभी एंट्री रिक्वायरमेंट्स क्या हैं जापान की, कि अगर आपके पास वैक्सीनेशन है 3 डोज तो आप आ सकते हो आराम से, अगर 2 डोज हैं तो आपको कराना पड़ेगा RT-PCR टेस्ट, तो मेरी भी 2 हैं, इसकी भी 2 हैं, तो हमने RT-PCR टेस्ट करा लिया अपना, और अपना पॉजिटिव तो नहीं आया, नहीं आ ही नहीं सकता था, डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं तो कैसे आ जाएगा पॉजिटिव है। तो अभी हमारी फ्लाइट है कुछ घंटे में, और आपको दिखाते हैं कैसा रहेगा एयर इंडिया। तू कभी फ्लाई करा एयर इंडिया के साथ? डोमेस्टिक तो करा, इंटरनेशनल भी करा, श्रीलंका गया था शायद मैं। अच्छा, श्रीलंका गया था तू, चलो बस देखते हैं, मेरा फर्स्ट टाइम है, बाकी देखते कैसा था एक्सपीरियंस, आपको हम सीधे मिलते हैं। तेरे को बहुत उम्मीद है ना एमिरेट्स जैसी होगी? नहीं मतलब ठीक है यार, मतलब एयर इंडिया महाराजा कुछ तो पता नहीं, चलो अपने को सस्ती फ्लाइट मिल गई यार, हमें वो क्या है जैसे मर्जी हो फ्लाइट, बता दूंगा आपको मैं, दिखा दूंगा भाई, इंडिया की इज्जत भी तो डिपेंड है ना फिर, एयर इंडिया, इंडिया का नाम भी तो जुड़ गया, ये भी बात है, बट मैंने देखा है अच्छी ही होती है, मतलब थोड़ी ऐसे स्टाफ थोड़ा बुड्ढा सा होगा उसमें, तेरे को लग रहा टीवी होगा, होना चाहिए, इतना सोचना पड़ता है, इंटरनेशनल में होगा ये, पता नहीं, चलो दिखा देंगे आपको, दिखाते हैं आपको, हम सीधे मिलते हैं फ्लाइट में। तो लो जी आ गए हम एयरपोर्ट, और काउंटर तो है यहाँ पे एयर इंडिया का, यही वाला है, लेकिन इसको चुलोरी की मैं इस पर करूँगा, देखते हैं तू करेगा क्या, चल कर ले, मैं तेरे को रिकॉर्ड कर लेता हूँ, पक्का नहीं होएगा ये, इस ये तुला हुआ है ये करने पे कि एयर इंडिया बकवास एयरलाइन है, नहीं अरे हमारे पास वीज़ा है जापान का, वीज़ा कैसे वेरीफाई करें, तो चलना फिर वहाँ पे तू टाइम खराब कर रहा है, जा फिर, मैं चेक करके आऊंगा भाई, सब कुछ दिखाना होता है। अच्छा हाँ दिखाओ दिखाओ, अरे तो सही बोल रहा था यार, नहीं है भाई इंडिया के पासपोर्ट का ऐसा ही है, मैं पासपोर्ट कहाँ से आ गया, चल तू की बिकॉज़ यू नीड वीजा, उसमें नेपाल का कर ले तू, यहां से हो जाएगा, चल चला जा इधर, हाँ चेक तो करते होंगे सबका, बिजनेस क्लास जाएगा तू, बड़े पैसे आ रहे तेरे पास, चलो भाई चलो चलो, अरे अच्छा इनके लिए नमस्ते करती हैं, इकोनॉमी क्लास वाले को नमस्ते नहीं करती, ये देखियो इस बार ये पता नहीं कौन सा बैग लेके आ गया ऐसे, ओनीचा अरे हमने ना कल परसों ना 4-5 वर्ड सीख लिए थे इसलिए, क्या था दो बार जापान गया हूँ एक वर्ड आता है सारी का तो बजाए मैं अरे यार शायद इसकी आवाज़ कम आ रही होगी, मैंने ना माइक लगा रखा था, मैं ट्रस्ट कर रहा हूँ माइक लगा के, तेरी शायद कम आ रही होगी आवाज़, चेक करता हूँ, ये देख लो ऐसे बनाता है वीडियो, ये लोग पूछते हैं ना कि कौन सा कैमरा यूज़ करते हो आप, ये करते हैं यूज़ यार, मैंने देखी थी स्टोरी देखी थी काफ़ी लोगों की इंस्टाग्राम पे कि बहुत भीड़ है, बट लग नहीं रहा कोई ऐसी भीड़ है, आराम से पहुंच जाएंगे, और जल्दी वहां जाके कौन सा गाना गाएगा, टोक्यो विच मुंडा रहिंदा, शो ऑफ मैं करना पहनना, इसलिए तो लेके आया हूं, शो ऑफ लग रहा है पूरा शो ऑफ भाई, पूरा शो ऑफ गरीबी लग रहा है। तो भाई इस भीड़ से निकल के मैं तो आ गया हूं, लेकिन अभी नवांकुर नहीं पहुंचा है, तो उसी की वेट कर रहा हूं, यहीं से कहीं से आएगा, आता है तो फिर निकलते हम अंदर की तरफ, आ गया ये, चल भाई
यार अभी मैंने माइक निकाली दिया, पता नहीं क्या बकवास पंखा सा था, तो अभी देखना कैसी आवाज़ आ रही है बताना फिर, माइक से अच्छी थी या अभी अच्छी है। तो अभी हम जा रहे हैं इधर ऊपर कुछ लाउंज वगैरह देखने, हमारे पास 3 घंटे पड़े हैं, इसको भूख भी लगी है। डाल देगा वीडियो जब तक लोग बताएंगे कि माइक से अच्छी थी उससे, और क्या खुद डिसाइड कर रहा तू, मैं कल डाल दूंगा ये वीडियो। हाँ तो इसमें तो करेक्ट नहीं हो पाएगा ना। तो लाउंज अपने पास देखते हैं कौन सा कार्ड है, कौन सी लाउंज जा सकते हैं। कौन सा कार्ड है तेरे पास भाई? कार्ड चल गया अपना इधर लाउंज में, और निमांकुर वो रहा प्लेटें भर रहा है अपनी। ब्लॉग अकाउंट चला के आते हुए मेरे को 40 रुपये पड़े, 20 बार लाउंज एक्सेस करना पड़ेगा लग रहा है। तो एक्चुअली क्या होता है लाउंज में, उन्होंने कार्ड देते हो तो तुम्हारे 2 रुपये काटते हैं वो, और 2 रुपये में तुम्हें खाना वाना, 2 रुपये इसलिए काटते हैं चेक करने के लिए, चेक करने के लिए बस। हाँ वही वही, लेकिन इसका कार्ड ब्लॉक था वो भी चल गया। सही है। तो अपना ये तो हो गया यहाँ पे लाउंज का सीन, 2 रुपये कटे बस और खाना खाया बस आराम से बैठ के। और अब अपना बोर्डिंग गेट है 12 नंबर, और चलते हैं बोर्डिंग गेट से। ब्रैम्पटन विच मुंडा रहिंदा, गेट नहीं आ रहा यार। टोक्यो, चलिए चलते हैं टोक्यो। तो यार अभी ये बोर्डिंग अपनी होगी पूरी, तो मतलब बार बार वही टेस्ट करवा, टेस्ट पूछते हैं क्योंकि अगर वैक्सीनेशन नहीं है प्लस 3 हो तो टेस्ट ज़रूरी है, तो RT-PCR टेस्ट आप करवा के आइएगा, नहीं तो नहीं होगी बोर्डिंग आपकी। तो भाई पहली बार एयर इंडिया का इंटरनेशनल फ्लाइट, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। सीट अपनी आजू बाजू में ही है दोनों की। कहते ना टीवी लगाए देख लो कितनी घटिया सीट है, पत्थर है ये, तो बैठ के देखिए ऐसा लग रहा टूट जाएगी। तो यार काफ़ी सैड सिचुएशन है इसकी, काफ़ी पुराना सा सामान, पुरानी सीट, ऐसे कुछ ठीक है मतलब, बट मैं जितना करीब नहीं करूँगा, ठीक है जो मिल गया सही है। अभी देखते हैं खाना वाना कैसे होता है इसमें। तो इसका टाइम था 11 बजे और 11:15 हो गए हैं, अब हो रहा है टेक ऑफ इसका। इसकी आवाज़ आ रही है खट 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 खट, वही ये बहुत ही बेकार सा है कार्य ये फुटेनमेंट, तो सैमसंग काली था। फालतू में करता सबको ये थैंक यू देंगे, इसका काम नहीं है। तो जी हो गए लैंड, कैसी थी भाई फ्लाइट फिर, मजा आया तेरे को? हैं बोल ही नहीं रहा, बेकार है ना, वही बोल रहा हूँ मैं अभी, मतलब खाना भी बहुत ही बेकार था, सुबह जो नाश्ता मिला वो भी बहुत ही बेकार था। तो भाई यहाँ पे पता नहीं अपने थोड़े डॉक्यूमेंट टेस्ट हुए, वही QR कोड से हमने पूरा फिल किया, और हमारा PCR टेस्ट यहाँ पे चेक हो गया एक बार और। तो अभी इमिग्रेशन पे चलते हैं, इधर ही है इमिग्रेशन।
तो भाई अपनी होगी इमिग्रेशन अभी, और अब यहाँ पे जाके कस्टम चेक है, और फिर बैगेज लेके निकलेंगे सीधे टोक्यो के लिए, मतलब शहर के लिए। अभी थोड़ा सा बाहर हम शहर के, ये काफ़ी बाहर है ये वाला एयरपोर्ट, नरितो एयरपोर्ट जो है। तो चलिए शुरू करते हैं जापान का सफ़र। और वही हर बार की तरह डर लग रहा है, बैग आएगा नहीं आएगा, वैसे आ जाएगा, डायरेक्ट फ्लाइट है, है? अच्छा इसने तो अपने भाई अमीर लोग क्या क्या बोलते हैं उसको, एयर टैग, एयर टैग, एप्पल एयर टैग, एयर टैग डाल रखा है बैग में। चलो मेरा भी साथ में होगा, आ जाएगा। तो भाई आगे बार अपना सब कुछ हो गया, इमिग्रेशन कस्टम चेक सब कुछ सही गया, मस्त गया। तो इमिग्रेशन में मेरे थोड़े बैग खुलवाए उसके बंदे ने, लेकिन मेरे को उसने चार बार सॉरी बोला, मतलब इतने प्यारे लोग हैं, थैंक यू सॉरी बस ये करते रहते हैं। तो अभी मैं गया था यहाँ पर टॉयलेट, और वो भी बड़ा मस्त था, मतलब पीछे पिचकारी मारनी है, आगे पिचकारी मारनी है, म्यूजिक चलाना है, कोई म्यूजिक चाहिए तो। ये देखो ना ये बना रखा है प्राइवेसी, कि इसको कर दोगे ऑन तो चलेगा म्यूजिक, ताकि आपकी आवाज़ें बाहर ना जाएं। अच्छा अभी पहले हम एटीएम से पैसे निकलवाएंगे, ये भी हमको थैंक यू बोलेगा बहुत बार। अरे तो वैसे कभी निकालते नहीं हम एयरपोर्ट पे, लेकिन आज इसने बोला है हमारे ट्रैवलर ने कि यहीं से निकाल लो। तो हाँ मुझे इतनी अच्छी नहीं आती है कि प्लीज एंट्री और पिन नंबर। अच्छा बोल रहे हैं 50,000 मैक्सिमम निकाल सकते हैं, तो हम 50,000 निकाल लेते हैं, पैसे तो बहुत है हमारे पास, 5,00,000 हो जाएंगे। हो गया ना ये येन कितने बने, ये इंडियन रुपीज में पता नहीं 30,000 के बने होंगे ना, इफ करेक्ट। हाँ जी करेक्ट, 50,000। और ये बोलिए कि 5 नोट निकालेगी 10,000 के, और ये 220 मतलब तकरीबन 100-150 रुपये ले लेगा एटीएम ट्रांजैक्शन के। ये आ गया ना, अबे नए नए नोट आ गए भाई, आजा एक्टिवेट कर लिया था एक बार में, और क्या वही बिल्कुल नहीं है, देख लो नोट भाई, ये उल्टा कैसे दे दिया यार, इनको सॉरी मांगो इस चीज़ के लिए, सॉरी मांगो सॉरी बोलो। फिर तो पैसे तो हमने निकाल लिए हैं, लेकिन यहाँ पे आते ही पहली चीज़ होती है ये वाईफाई और इंटरनेट, वो हमने सिम कार्ड लेके आए इंडिया से ही, वो हम सिम कार्ड लेके आए इंडिया से ही, मतलब डिजिटल सिम है, मैंने पहले भी उसका बताया था आपको उसके बारे में, स्पेन में बताता हूँ आपको बारे में उसके डिटेल बात करेंगे, कौन सा सिम कार्ड है, क्या सिम चलता कैसे है। अभी पहले जाके हम रेल का पास लेंगे, तो चलते हैं इधर ही, इधर कार्ड चला नहीं ना, ये देखो ये ट्रैवलर बन रहे थे बहुत बड़े, कार्ड लेके आए हैं, दोनों ही नहीं चलते हैं कार्ड, हम अपने साथ अपने से बड़े ट्रैवलर को लेके आए तो भाई सा कार्ड चला नहीं, तो अभी फिर इसके पास कोई भी कार्ड नहीं है, ये डिपेंडेंट है मेरे पे माइनर। अच्छा तो यार जापान पहुंच गए, एयरपोर्ट से हम ट्रेन लेके जाएंगे सिटी सेंटर, और फिर जाएंगे ओसाका, और जेआर पास भी लेंगे जापान रेल का पास, जैसे हमने यूरल का पास किया था यूरोप में, ऐसे जापान में जेआर पास चलता है, वो सब लेंगे, वो सब आएगा अगली वीडियो में आएगा। लेकिन इस वीडियो में पहले बात कर लेते हैं हम कि जो मैंने सिम कार्ड लिया है वो लिया है एरालो का, मैं इसको बैक को उतार दूँ। हाँ तो हमने सिम कार्ड लिया एरालो का, एरालो जो कंपनी है, मैंने इसको यूरोप में भी यूज़ किया था, मैं डाला था अपनी स्क्रीन वाली वीडियो में कि आप ले सकते हो, ये ई सिम है, कोई दिक्कत नहीं आती इसमें। तो भाई जो एरालो है वो एक ई सिम है, आप देखिए आपके फ़ोन में होना चाहिए ई सिम की फैसिलिटी, तो तभी आप कर सकते हो इसको। तो जैसे मेरे पास अभी आईफोन 14 है, तो इसमें ई सिम आता है, तो आपको ऐप करनी है डाउनलोड, उसमें आपको जो भी बाय करना है वो कर लीजिए, और बस चल जाएगा। जैसे मैं जापान आया और मैं इंडिया से ही बाय करके आया था, 5 GB मेरे को पड़ा तकरीबन $10 का, तो ठीक है, मतलब यू कैन ऑल्सो चेक यहाँ पर आके कि यहाँ क्या रेट है, लेकिन जो ना शुरुआत में कि भाई मेरे पास सिम कार्ड होना चाहिए आते ही पहली चीज़, तो वो चीज़ आप जो डर होता है ना खत्म हो जाता है कि इंटरनेट सब कुछ हो जाएगा, तो आप इंडेक्स ले सकते हैं उसको। तो बाकी मैंने लिंक डाल दिया नीचे, वहाँ से जाएंगे अगर आप तो आपको मिलेंगे $3 एयर मनी में, तो बस मेरे को भी मिल जाएंगे थोड़े से पैसे, कर लेना अगर आपको चाहिए होगा तो। तो अभी अगले वीडियो में हम जे आर पास लेके जाएंगे ओसाका, हाँ भी आ जाएंगे, वेलकम टू जापान। तो अभी तो ये दिए आंटी ने कुछ रिसीट सी, भाई बहुत पैसे खर्च हो गए देख रहे हो।
लग रही बुलेट ट्रेन अलग सी शेप है नहीं।